गुरप्रीत पुल्लर इस वक्त मेरे नाल मौजूद है ने पूरे शहर के लॉ एंड ऑर्डर की जो सुरक्षा हैगी है उन्होंने देखते दे हुए इस वक्त स्पैशल नाके लाए गए हैं। उन्होंने गलबात करते हैं कि इस मौके के उत्ते की कुछ खास रहने वाला है सर, अज नाके लाए गए हैं जी की कुछ है? देखो ये साढ़े मानयोग DGP साहब के स्पैशल दिशा निर्देश से सारे पंजाब दे विच ही 4 बजे तो लैके 7 बजे तक स्पैशल वहीकल चैकिंग दे ऑपरेशन चलाए गए ने। उहदे च सारे सीनियर ऑफिसर्स इनकलूडिंग ADGP साहबान उन्होंने हरेक डिस्ट्रिक्ट दे विच वंडिया गया अप टू DIG रैंक। तो मैं मोहाली दे विच अज आप इन सुपरवाइज कर रहे हैं। DG साहब खुद भी रोपड़ अज आप गए थे, उन्होंने भी नाके सारे चैक किया। ये मेन गल है कि असी प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम इनू आप तरजीह देनी है, तो ये असी स्पैशल नाकाबंदी की गई है। सारे जी डिस्ट्रिक्ट की फोर्स है वो मोबिलाइजेशन की गई है, जिमें साढ़े दफ्तर के लोग कड़े है, जोड़े यूनिट्स ने उन्होंने लोग कड़े है फोर्स के जी असी इन सप्लीमेंट करने वास्ते फोर्स न, वो सारे ड्यूटी पर ने। उदे च मेन गल आप देखी जा रही है, इवन असी नारकोटिक जिहड़ा ट्रैकर साढ़े डॉग ने स्निफर वो भी असी यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट नाकों के उत्ते, सो दैट जदों कोई गड्डी रुकती है या कोई बस भी रोकी जाती है वो जो कोई ड्रग कैरी कर रहा है उन्होंने असी कवर कर सकी है। सर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की भी अहम जिम्मेवारी तुहाडे कोल हैगी, असीं देख रहे हैं कि मोहाली दे विच बड़ा एक सॉफ्ट टारगेट लैके चल रहे हैं सारे गैंगस्टर, कितने फरौती दे फोन आ रहे हैं जां एक शैल्टर की तरह इनू यूज़ किया जा रहा है, जिहड़ियां अबंडनड बाहरले पासे सोसाइटियां हैगियां ने जिन्हां च लोग जाते नहीं, क्योंकि बहुत सारिया सोसाइटियां ने खरड़ दे विच, जीरकपुर दे विच, मोहाली दे विच। देखो मैं तुहाडी जिहड़ी गल है अज तो थोड़ी देर पहलां तक तां काफ़ी इस तरह की परसैप्शन सीगी, पर CM साहब दे और DG साहब दे दिशा निर्देश से जदों तो आपां कॉर्डन एंड सर्च प्रोग्राम शुरू किए हैं, सब तो पहलां आपां रेंज लैवल ते रोपड़ दे विच आपां 3 SSP ला के आपां 3 कॉलोनीज चैक कीतियां सी, उस तो बाद काफ़ी सेंस ऑफ सिक्योरिटी जिहड़ी हैगी है, और हुण जिहड़ी कारवाई है तुसीं तुहाडे सामने ही है सारी AGTF दी भी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की DG साहब की रहनुमाई च काफ़ी ठल पई है, और असी जिहड़ा तहिया किया मानयोग CM साहब ते DG साहब वालों के गैंगस्टर ते ड्रग फ्री करना है वह भी अज तुसी देखिया फतेहगढ़ साहब दे विच भी बहुत बड़ा एक कार्टल जिहड़ा वो स्मैश किया गया वो भी सारा मीडिया नाल शेयर किया। सो मैनू नहीं लगता कोई ये परसैप्शन पुरानी जिहड़ी कैरी फॉरवर्ड कर सकेगी, और गैंगस्टर्स नूं जो कानूनी कार्रवाई बनती वो मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, और जो साडा मेन फोकस है वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना है सिटीजनस नूं वो दित्ती जाएगी। सर लॉरेंस इस टाइम रिमांड ते हैगा जां जग्गू भगवानपुरिया रिमांड ते हैगा, अंकित सिरसोनी भी अज लियांदे जा रहे ने, तो AGTF वालों की कुछ खास उन्हां वास्ते उपराले किए जा रहे हैं, क्योंकि दस्या जा रहा है कितने ना कि गैंगस्टर शैल्टर लैके बैठे हुए हैं भी कोई ना कोई आड़ दे विच कुछ ना कुछ करने बारे सोच रहे हैं, हाईटैक उन्हां कोल वैपन है हुण। देखो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो बारे मैं क्लेम कोई भी कमेंट नहीं करता बिकॉज SIT बनी हुई है, बट बेसिक ये है कि बिल्कुल ये परसैप्शन तुसी ये समझो भी न्यूट्रलाइज हो चुकी है पंजाब च, और किसी की कोई जरूरत नहीं, और पंजाब पुलिस सारे साढ़े DG साहब के दिशा निर्देशों से बड़ी एक्टिव है, और ये इदा ही असी ये जी कार्रवाई होर वधावे सगों, और प्रैशर क्रिएट होएगा क्रिमिनल्स से सो दैट साडा क्राइम रेट और सेंस ऑफ सिक्योरिटी सिटीजन की बरकरार रहे। सर जो स्पैशल नाके लगाए गए हैं कोई स्पैसीफिक टाइम वास्ते है? ये 4 to 7 जी तुम दसिया भी वो सारे ही ऑफिसर्स बाहर आए, ये एक मैसेज सारी स्टेट जा रहा, DG साहब खुद आए हैं, उन्होंने आप आके नाकों के उत्ते खड़ के चैकिंग सुपरवाइज किया, ऑबजर्व किया, मोनीटर किया और दिशा निर्देश दिए ने। आई थिंक बहुत वधिया इहदा मैसेज गया पैन पंजाब। किन्ने दिन जारी रहेंगे? अज के दिन का सी स्पैशल जी, बाकी तो नॉर्मल चलेगा ही, अपनी जो पुलिसिंग हैगी ये अज एक स्पैशल ऑपरेशन के तौर पर चलाया गया 15 अगस्त तो देख के। सर वो बारे कुछ कर? देखो वो दे बारे भी सारा असं यही कर रहे हैं कि जिन्हें भी प्री 15 अगस्त मेजर ने SSPs ना मीटिंग करके ऑलरेडी मैं दिशा निर्देश देते वो काम चल रहे हैं प्रिवेंटिवल, और उस दिन तो स्पैशल अरेजमेंट होगी, और उस तो बाद भी असी सारा ये ध्यान रखा जाएगा गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का होर सारिया जिहड़ियां वर्नेबल एरियाज ने उत्थे असी सारे CCTV होर चीज़ा और जोड़े साढ़े पुराने बेल्ड आउट क्रिमिनल्स है उन्होंने उत्ते भी असी नज़र रखी हुई है। गलबात करने वास्ते बहुत बहुत शुक्रिया जी।
ਸੋ ਇਸ ਡੀਆਈਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਸੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 7 ਜਿਹੜੇ ਨਾਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੈਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗਰਚਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ, ਮੋਹਾਲੀ। ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਕਿੱਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ 649। मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत अनबन रहती थी जिसकी वजह से मैं बहुत सारे तांत्रिकों से मिली पर मुझे कोई समाधान नहीं मिला। उसके बाद मैं मियां मुराद अली जी से मिली जिससे कि अब मैं अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश हूँ। पहला मेरा लव मैरिज नूं लैके कोई भी काम नहीं बन रहा सी, बहुत जगह ते धक्के खाए। फिर बाद विच मैनूं किसी ने मियां मुराद जी अली बारे दस्या ते अज देखो मैं अपने वैवाहिक जीवन दे विच बहुत खुश हाँ। कारोबार एकदम ठप हो गया सी, असीं बड़े औखे हो गए। फिर सानूं किसी ने मियां मोहम्मद अली जी बारे दसिया, उन्हां ने साडी साडी समस्या दा चंगी तरहां जड़ों निपटारा कर दित्ता। हुण असीं बहुत खुश। हुणे कॉल करो 98417 18786, 97797, 24075।